प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना सद्भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित भव्य समारोह का आयोजन 15 फरवरी को इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन IMF दिल्ली एवं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में ताजबाग में किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान इन्होंने दी। ताजबाग दरगाह परिसर में आरंभ कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। सर्वप्रथम हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह की मजार पर चादर पेशकर देश के अमन व भाईचारे के लिए दुआ मांगी जाएगी। इसके पश्चात समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्यसभा सांसद और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन IMF के कन्वीनर सतनाम सिंह संघ के हाथों हजरत बाबा ताजुद्दीन अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। इसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन IMF के कन्वीनर सतनाम सिंह संधू, IMF के संस्थापक हिमानी सूद एवं अजमेर दरगाह शरीफ के गतिनशील सलमान चिश्ती उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे जिया खान करेंगे। पत्र परिषद में ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य अल्पसंख्यकों में जागरूकता लाना है, ताकि अकलियत के लोग समझ सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार किस प्रकार से मुसलमानों के लिए प्रयास करी है। लोगों में यह भावना पैदा करना है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी और मजबूती से उनके साथ खड़ी है। कि सतनाम सिंह संघ के नेतृत्व में IMF प्रतिनिधि मंडल के अलावा IMF की संस्थापक प्रोफेसर हिमानी सूद, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के ममास्ता नेता उपदेशक दरगाह पर पवित्र चादर चढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री की दीर्घायु तथा आगामी लोकसभा चुनाव में सफलता के लिए हजरत सैयद बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह से दुआ भी करेंगे। इसके बाद दरगाह पर सूफी भक्ति संगीत जज्बात ए शकुर की आयोजित की जाएगी। प्यारे खान ने कहा, जब से PM मोदी जी ने सत्ता संभाली है, सरकार ने एक एकीकृत स्वास्थ्य परिस्थिति की तंत्र के निर्माण के लिए अंतिम छोर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है, जो सभी भारतीयों विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और समाज के वंचित वर्ग के लिए वरदान है। हजरत बाबा ताजुद्दीन अस्पताल का उद्घाटन इस दिशा में एक और बड़ा कदम है, क्योंकि इस चिकित्सा से न केवल नागपुर बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं निशुल्क मिलेगी। खान ने बताया कि यह अस्पताल उच्च योग्य डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा रोगियों को शीघ्र निदान, उपचार, निवारक देखभाल से लेकर पुनर्वास तक मुफ्त सहायता प्रदान करेगा। देखिए, ये कार्यक्रम इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन करने जा रही है और अभी जो हमारे राज्यसभा सांसद है सतनाम सिंह साधु और हिमानी सूद, ये आ रहे हैं पीएम की चादर लेके आ रहे हैं और देश में अमन, चैन, शांति बनी रहे इसके लिए दुआ होने वाली है। मोदी जी की सेहत और सलामती के लिए यहाँ पे दुआ होने वाली है, क्योंकि उन्होंने चादर भेजा है। हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी व्यक्ति चादर भेजता है उसके लिए हमको सलामती के लिए दुआ मांगनी पड़ती है। देखिए, सूफी संगीत का कार्यक्रम हमारा तकरीबन 7:30-8 बजे चालू होगा। इसमें अनिस साबरी कव्वाल करके आ रहे हैं मुंबई से, तो इसमें तकरीबन 15,000 लोग आने की आशंका है। अभी देखिए, जो नितिन गडकरी जी ने 400 बेड हॉस्पिटल का ऐलान किया था, उसकी ये शुरुआत हो गई। अभी 17 बेड का हमने हॉस्पिटल शुरू परमिशन मिला है, उसके बाद 100 बेड का लेंगे और उसके बाद 400 बेड और डायलिसिस सेंटर भी हम लोग वहाँ पे शुरू करेंगे। देखिए, डॉक्टर तो हम सारे प्रकार के, जैसा आर्थो को भी बुला रहे, यानी बच्चों के भी डॉक्टर को बुला रहे, तो ये कैंप हर महीने में 2-3 कैंप रहेंगे, तो अलग अलग डॉक्टर्स आएंगे सारे नागपुर के, MD MBBS हर टाइप की बीमारी के डॉक्टर को हम लोग बुला रहे हैं। अभी तो वहाँ पे एडमिट होने का ऐसा भी शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो भी, यानी हर बीमारी का इलाज होगा, यानी बच्चे से अभी तो 70 हाँ डेली रहेगी डेली, अभी तो 70 बेड्स का है, आगे चल के हम उसको 100 करेंगे, उसके बाद 400 करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गायनोकोलॉजी, यूरोलॉजी, पीडियास्ट्रिक, डर्मेटोलॉजी, ENT, पैथोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी के साथ साथ मनोचिकित्सा सहित सभी विशिष्टताओं के लिए मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा।
छोटी सर्जरी भी मुफ्त में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर भी सप्ताह में 2 दिन अस्पताल का दौरा अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त गरीबों के लाभ के लिए एक आयुष्मान डायलिसिस केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा, जहां मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। पत्र परिषद में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के सचिव ताज अहमद राजा, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जिस्कार, हाजी फारूक भाई बावला, हाजी इमरान खान, ताजी बुरजीन रांडेलिया, गजेंद्र पाल सिंह लोहिया, मुस्तफा टोपीवाला उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।